हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमके साइंस स्टडी में। आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का प्रश्न है। सहलंकता या लिंकेज किसे कहते हैं? सहलंकता के प्रकार लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह 4 नंबर या 5 अंक में आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं, सहलंकता की परिभाषा बताते हैं पहले हम आपको। ऐसे अनुवांशिक गुण जिनकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है, सहलंकता कहलाती है। और ऐसे लक्षण सहलंग लक्षण कहलाते हैं। मतलब जो ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनको सहलंकता बोलते हैं। अब देखते हैं सहलंकता के प्रकार निम्नलिखित हैं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला है पूर्ण सहलंकता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट लिंकेज। इसको देखते हैं, जब किसी क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर सहलग्न जीनों की अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है, तब ऐसी सहलग्नता को पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। आप केवल यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और देखते हैं, यह 2 जीन के बीच तभी पाई जाती है जब दोनों एक गुणसूत्र पर अत्यंत निकट स्थिति में होते हैं अथवा पास पास होते हैं। निकटता के कारण इन जीन्स के बीच जीन विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है और अगली पीढ़ी में पुनर्संयोजन प्रकार की संतति प्राप्त होती है। उदाहरण हैं ड्रोसोफिला के शरीर के रंग तथा पंख के आकार को निर्धारित करने वाले जीन्स आपस में पूर्ण सहलंकता प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई पूर्ण सहलंकता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रकार है सहलंकता का, यह अपूर्ण सहलंकता, इनकम्प्लीट लिंकेज। जीन विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब गुणसूत्रों अथवा क्रोमोसोम पर स्थित जीनों के आपस में अलग होने की संभावना होती, मतलब दूर दूर होती हैं, तब इस प्रकार की सहलंकता को अपूर्ण सहलंकता कहते हैं। यह तभी पाई जाती है जब दोनों जीन गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होते हैं। परिणाम स्वरूप जीन विनिमय के दौरान यह जीन्स अलग हो जाते हैं। उदाहरण है, मक्के में भ्रूण कोष तथा बीज के आकार को निर्धारित करने वाले जीन्स अपूर्ण सहलंकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह 3रा प्रकार है जो कि लास्ट प्रकार है। यहाँ पर देखते हैं लिंग सहलंकता, सेक्स लिंकेज। यह मनुष्य समेत अन्य स्तनधारियों में XY गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। Y गुणसूत्र केवल नर के लिए आवश्यक जीन्स पाए जाते हैं। नर मतलब पुरुष, पुरुष के लिए आवश्यक जीन्स पाए जाते हैं। फिर भी Y गुणसूत्र आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय माना गया है मादा में पाए जाने वाले, यहाँ पर दिया है मादा मतलब स्त्री में पाए जाने वाले गुणसूत्र XX आपस में समझात होते हैं। समझात मतलब समान होते हैं। अतः उनके बीच क्रॉसिंग ओवर अथवा जीन विनिमय होता है और उनमें पूर्ण व अपूर्ण सहलंकता प्रदर्शित होती है। परंतु नर में पाए जाने वाले XY लिंग गुणसूत्र आपस में समझात नहीं होते, मतलब समान नहीं होते हैं, अतः उनके बीच जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मतलब ये पुरुष के जो होते हैं क्या गुणसूत्र, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये तय सहलंकता के प्रकार हमने बता दिए हैं आपको, जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।